नमस्कार, मैं दीदी फौजदार, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान की तरफ से सोमवार को एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में 10 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत भी शामिल हुआ। अफगानिस्तान की समाचार एजेंसी खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में हिस्सा लेने वाले देशों में इंडिया, टर्की, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान आदि और भी देश शामिल रहे। इस बैठक का मकसद आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। बैठक को तालिबान शासन के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने संबोधित किया। उन्होंने तालिबान हुकूमत पर लगी पाबंदी हटाने की भी मांग की। 2021 में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद कई देशों समेत भारत ने अफगानिस्तान से सारे डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ दिए थे। इस बीच तालिबान से सहयोग बढ़ाने के लिए हुई इस बैठक को अहम माना जा रहा है। विवाद नहीं, अच्छे संबंध चाहिए। मुत्तकी ने सभी देशों को भरोसा दिलाया है कि अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अफगानिस्तान विवाद और टकराव की बजाय पड़ोसी देशों को सकारात्मक संबंधों की उम्मीद करता है। बैठक में मुत्तकी ने माना है कि अफगानिस्तान से बरसों की घुसपैठ, अंदरूनी संघर्ष को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं, पर वो इनका समाधान चाहते हैं। भारत ने अभी तक तालिबान की स्थापना को मान्यता नहीं दी है। वहीं एक तरफ जहां अफगानी मीडिया भारत की उपस्थिति का दावा कर रहा है, वहीं भारत ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। हालांकि पिछले साल भारत ने अफगानिस्तान को पुरानी सरकार के नियुक्त किए राजदूत पर दोनों देशों में तनाव बढ़ाने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद भारत में अफगानिस्तान की एम्बेसी बंद हो गई। तालिबान के विदेशी मंत्रालय के एक बयान में ये भी सामने आया कि अफगानिस्तान क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं और विदेशी मंत्री आमिर मुत्तकी ने कहा है कि स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में भी अन्य देशों की तरह समस्याएं हैं। देश लगभग आधी सदी से कब्जे में था, विदेशी हस्तक्षेप और गृह युद्ध का निशाना भी रह चुका है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।